तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जैसे कि डीन एम्ब्रोस की रिटर्न के बारे में पूछे जाने पे उनकी वाइफ रेने यंग का क्या रिएक्शन था, बेटिंग ऑड्स के हिसाब से एक्सट्रीम रूल्स में किस मैच में कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, और इसी के साथ साथ हम रोंडा राउजी की रिटर्न अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें रोंडा राउजी के रिटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रोंडा राउजी को WWE ने रॉ से 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि रोंडा राउजी को एक्सट्रीम रूल्स के बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल कुछ ही टाइम पहले WWE ने रोंडा राउजी का नाम एक्सट्रीम रूल्स के बाद होने वाली पहली मंडे नाइट रॉ से हटा दिया है। तो फिर ऐसे में ऐसा हो सकता है कि रोंडा राउजी हमें वहां पर रिटर्न करती हुई ना दिखाएं और उनके रिटर्न के लिए हमें और भी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। अभी हम यहाँ पर बात कर लें एक्सट्रीम रूल्स के बेटिंग ऑड्स के बारे में कि यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से किस मैच में किसकी जीत होने वाली है। तो यहाँ पर एजे स्टाइल्स वर्सेस रूसेफ के मैच के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से एजे स्टाइल्स की जीत होने वाली है। रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच की बात करें तो यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस की जीत होने वाली है। वहीं स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप मैच में बताया जा रहा है कि आस्का बन जाएंगी न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो आयरन मैन मैच होने वाला है वहां पर बताया जा रहा है कि डॉल्फ जिगलर अपना टाइटल बचा लेंगे। वहीं जो यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है वहां पर बताया जा रहा है कि शिंसुके नाकामुरा बन जाएंगे न्यू यूएस चैंपियन। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बात करें तो यहां पर ब्रे वाइट और मैट हार्डी अपना टाइटल बचा लेंगे। इसके अलावा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच में बताया जा रहा है कि टीम हेल नो बन जाएगी न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। फिन बैलर वर्सेस बैरन कॉर्बिन के मैच में बताया जा रहा है कि फिन बैलर जीत जाएंगे। बात करें स्टील केज मैच की तो यहां पर बेटिंग ऑड्स ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ हैं। और वहीं पर हम बात करें रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैसले के मैच के बारे में तो यहां पर बेटिंग ऑड्स का ऐसा कहना है कि यहां पर इस मैच में जीत होगी द बिग डॉग रोमन रेंस की। अभी हम डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बारे में बात करते हैं कि जब डीन एम्ब्रोस के रिटर्न का सवाल आया तो यहां पर रेने यंग का क्या रिएक्शन था, यानी कि डीन एम्ब्रोस की वाइफ रेने यंग का क्या रिएक्शन था। तो कुछ ही टाइम पहले यहां पर इंस्टाग्राम पे पेज लाइव आई थी जहां पर वो कुछ बातें कर रही थी, और कुछ ही टाइम पहले हमने ये भी देखा कि पेज को लाइव रेने यंग ने भी ज्वाइन किया, जिसके कुछ ही देर बाद यहां पर बातों में डीन एम्ब्रोस की बात निकल कर आई। तो इसके बाद पेज ने रेने यंग से ऐसा पूछा कि काफी सारे लोग डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहां पर तुम्हारा क्या कहना है। जिसके बाद पहले तो यहां पर रेने यंग ने मजाक में कहा कि तुम सभी अपने काम से मतलब रखो, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा बताया कि उन्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि उनके हस्बैंड यानी कि डीन एम्ब्रोस कब रिटर्न करने वाले हैं। जी हाँ, डीन एम्ब्रोस की वाइफ को इसके बारे में पता नहीं है कि डीन एम्ब्रोस आखिर रिटर्न कब करेंगे। पता तो होगा ही, WWE ऐसा चाहती ही नहीं है कि डीन एम्ब्रोस की रिटर्न की अपडेट कहीं से भी बाहर आ जाए। अब जिस तरह से यहाँ पर रेने यंग बातों को छुपाने की कोशिश कर रही थी उससे साफ साफ पता चलता है कि WWE डीन एम्ब्रोस की रिटर्न को काफी ज्यादा सरप्राइज रखना चाहती है। ऑफ कोर्स रखेगी भी, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बारे में ऑनलाइन ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन भाई जो भी हो, इन सभी चीजों से हमें ये तो पता चल जाता है कि डीन एम्ब्रोस की रिटर्न काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो यार क्या लगता है आपको, डीन एम्ब्रोस कब रिटर्न करेंगे, और इसी के साथ साथ रोंडा राउजी कब रिटर्न करेंगे, इसके बारे में भी आपको क्या लगता है, ये सब कुछ आप मुझे कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में।